In this module, we shall prove an interesting result on normal subgroups. First, we formally define the normal subgroup. A subgroup H of a group G is called a normal subgroup if G inverse HG belongs to H. For all G belonging to G and H belongs to H. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो condition हमें normal subgroup के लिए given है वो G inverse HG belongs to H है. अगर आप G को multiply करें दोनों sides के ऊपर तो condition क्या बन जाएगी, HG belongs to GH. GH is the लेफ्ट कोसेट, जी कैपिटल एच, और एच जी जो एलिमेंट है वो राइट कोसेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये कंडीशन इक्विवेलेंट है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट. तो आप इस कंडीशन को इस कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हैं, एच जी इक्वल टू जी एच, हियर एच इज कैपिटल. Let's state a proposition. HG equal to GH for all G belonging to G if and only if H is a normal subgroup of G. और यहाँ पर हम ये condition ये verify करेंगे कि जब left coset right coset के equal है तो हमारे पास जो H है वो normal subgroup होगा G का. Let's prove the result. Suppose that HG equal to GH. Then for any element H belongs to H, HG belongs to capital HG equal to G capital H. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HG जो है स्मॉल HG वो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है G कैपिटल H इन G का राइट कोसेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने. और जैसा कि हमने अज्यूम किया हुआ है HG इक्वल टू GH, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, सो इट आल्सो बिलोंग्स टू राइट लेफ्ट कोसेट जी एच. हेंस एच जी इक्वल टू जी एच वन फॉर सम एच वन बिलोंगिंग टू एच. इसलिए हम इसको लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसलिए जी एच वन की फॉर्म में हमने लिखा है एच जी को. सो वी शैल ऑब्टेन जी इनवर्स एच जी equal to G inverse G H1 which is equal to H1. और हमने left hand side पे multiply किया G inverse के साथ इस equation को, और we shall obtain G inverse H G equal to H1, और H1 H को belong कर रहा है. Therefore H is a normal subgroup of G, और हमने ये normal subgroup की condition according to the definition prove कर दी है. Now we shall prove the converse statement. और converse statement को prove करने के लिए हम assume करेंगे कि H normal subgroup है G का, और we shall establish that HG equal to GH, that is left coset equal to right coset. If H is normal, let HG belongs to a capital HG, right cosets ke elements ko hum H into G form mein likhte hain, and G inverse HG which is equal to H1 belongs to H. Then HG equal to GH1, दोनों sides को हमने multiply किया है इस equation की with G,
एंड वी शैल ऑब्टेन एच जी इक्वल टू जी एच वन, और एच जी जी एच वन हमें मालूम है कि वो लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट है. सो इन दिस वे वी हैव प्रूव दैट एच जी इज कंटेन्ड इन जी एच, एच जी इज सबसेट ऑफ जी एच. हमने स्टार्ट किया था एक राइट कोसेट का एलिमेंट एच जी लिया था और उसको हमने प्रूव कर दिया कि वो लेफ्ट कोसेट के अंदर भी है. तो हमने एच जी इज सबसेट ऑफ जी एच प्रूव कर दिया. सिमिलरली वी शैल प्रूव दैट जी एच इज सबसेट ऑफ एच जी, देन वी आर डन. ऑल्सो जी एच जी इनवर्स विच कैन बी रिटन एज जी इनवर्स इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच जी इनवर्स विच इज इक्वल टू एच टू बिलोंग्स टू एच. हमने एक और एलिमेंट ले लिया है H, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल ग्रुप है तो उसमें जो एलिमेंट्स की फॉर्म होगी वो G इनवर्स HG की फॉर्म में. एक एलिमेंट हमने लिया था जो कि H1 के इक्वल हमने अज्यूम कर लिया था कि सेट H को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट हमने G इनवर्स इनवर्स ऑफ G इनवर्स HG इनवर्स की फॉर्म में लिया है विच इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स. And we are assuming that this element is equal to H2. It also belongs to H, since H is normal. Now we can see that GH equal to H2G. We are multiplying G on the right hand side of the both sides of the above equation. In this manner, we have proved that the element of the left coset belongs to right coset, and we have proved that GH is subset of HG. Therefore, the left coset is equal to the right coset.